प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की मुहिम अब रंग ला रही है। यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिलाओं ने अपना डंका बजा रखा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर 100 शिव भक्त महिलाओं का बेड़ा सावन के अंतिम सोमवार में भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाने के लिए पैदल कांवड़ यात्रा कर रहा है। मूल रूप से मुरादाबाद निवासी जगत गुरु जगताचार्य साध्वी श्री राघवेंद्र जी महाराज के नेतृत्व में ये महिला कांवड़ियों का जत्था लगभग 70 किलोमीटर दूर अमरोहा जनपद स्थित गंगा के ब्रज घाट गंगा से जल लेकर निकला है। महिला कांवड़ियों का यह बेड़ा अपने आराध्य की प्रतिमा रथों के ऊपर रखकर पूजा पाठ करते हुए चल रहा है। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे से होते हुए इनका बेड़ा कांवड़ मेले में मुरादाबाद की तरफ बढ़ रहा है। कल सुबह ये मुरादाबाद के कटघर इलाके के शिव मंदिर पर भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाएंगी। महिला आजकल बहुत आगे हैं, हर काम में आजकल महिला आगे हैं, हर चीज में। देखिए, अभी महिला पायलट थी जिन्होंने हवाई जहाज को बचाया, यात्रियों को बचाया, वो भी महिला थी, इसलिए महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी 100 महिला है, 100 महिला हैं, लेकिन मेरा महिलाओं को बढ़ाने का उद्देश्य महिला बढ़े। कितनी लंबी यात्रा है आपकी? हमारी है आधा किलोमीटर से ज़्यादा है, 1 किलोमीटर लगभग। महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिला कहीं कम नहीं है, उनको आगे आना चाहिए, देश के लिए समाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और महिला को आगे बढ़ाने का ही मेरा उद्देश्य है, इसलिए महिलाओं को आगे लेके चलेंगे। बहुत महिला